जग दे रौनक मेले देखो जग दे रौनक मेले कुछ खेडन आंदे कुछ खेड के जांदे भंगड़े खुशियां दे ओ पांदे भंगड़े खुशियां दे ओ पांदे जो मौजां विच झूम के गांदे खुशियां खेड़े साडे वेड़े मन जीते जग जीत ओही बन देने जो रब जी नू नाल सदा ही रख देने हनेरे दिला नू रोशन करके हनेरे दिला नू रोशन करके ओ मौजां विच झूम के गांदे खुशियां खेड़े साडे वेड़े सत श्री अकाल ओम शांति दोस्तों सतनाम कौर एक बार फिर तुहाडे सारियां दा स्वागत करदी है साडे प्रोग्राम खुशियां खेड़े साडे वेड़े। दोस्तों असी गल कर रहे सी माँ प्यो और बच्चों की कितना जरूरी हुंदा है माँ प्यो नू अपने अंदर भी वो वैल्यूज़ और मुल्ले लैके आना ताकि बच्चे जो कि उन्होंने देख के ही अपना भविष्य बनाने वाले ने अज दे इस विषय नू असी अगे लैके जाने आ और होर सारियां गल्लां असी लैके आवांगे तुहाडे लई और उन्हां दे सॉल्यूशन कि किद्दां तुसी अपने बच्चों नू होर गूढ़े तरीके नाल समझ सकदे हो और ये रिश्ते नू मजबूत बना सकदे हो। हर वार दी तरह अज साडे नाल ने करमजीत जी। करमजीत तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे प्रोग्राम ओम शांति। ओम शांति जिद्दां कि असी पिछली कड़ी च गलबात कीती सी और तुसी दस्या सी कि अपनी वैल्यूज़ भी पेरेंट्स नू किते ना किते सही करन दी लोड़ है सिर्फ बच्चों ते ही आपां सारा भार नहीं पा सकते कि उन्हां दी वैल्यूज़ क्योंकि किते ना किते बच्चे जो है वो माँ प्यो नू देख के ही सीखते हैं। इहदे ते ही मैनू एक होर प्रश्न आया जो आया है बिलीव सिस्टम नू लैके किते ना किते जो बच्चों का बिलीव सिस्टम है वो अजकल बदलता जा रहा है जिद्दां कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर घर कोई आया और बैल वजी और क्या कि आप कह देने आ भी तू कह दे पापा घर नहीं है उत्थे एक बच्चे नू मैसेज चला जाता है कि पापा ने झूठ बोलिया सानू तो कह रहे भी तुसी सच कहना है और तुसी झूठ कहता मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे मैंने लगता है चीज़ा हैं जो बच्चे बहुत बारीकी नाल नोटिस करते हैं और किते ना किते माँ प्यो नहीं कर पा रहे। इहदे ते तुसी की कहना चाहोगे? देखो कितनी छोटी जी गल है तुसी दसी है बहुत सोहनी गल है और इस तरह घरों में हुंदा भी है। हर घर दे विच असीं बच्चों नूं पेरेंट्स सिखांदे ने सच बोलो सच दे राह ते चलो। बच्चा रोज़ अपने किताब दे विच पढ़ के भी आंदा है सच दे राह ते चलिया ही तुसीं जीवन सफल हुंदे हो लेकिन घर दे विच प्रैक्टिकली झूठ बोलदे अपने पेरेंट्स नूं देख रहे हैं। हुण उत्थे पेरेंट्स नूं समझना चाहिदा है कि बच्चा एक बिल्कुल साफ सलेट वांगर है एक कोरा कागज़ है उहदे ते तुसीं जो सिटोंगे जो उन्हें मिलेगा वो कैच करेगा अच्छा भी कैच करेगा बुरा भी कैच करेगा। हुण जे तुसी अपने पेरेंट्स ही उन्हें गलत मैसेज दे रहे ने हालांकि पेरेंट्स अनअवेयर ने पेरेंट्स नूं इस चीज़ दे उपर उस वेले अवेयरनेस नहीं हुंदी कि असी बच्चे नूं रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं ते बच्चा रॉन्ग मैसेज लै गया कि कुछ ना कुछ जीवन दे विच कुछ हल करन लई या कोई सोल्यूशन लई किते ना किते झूठ भी बोलना पैंदा है कुछ गल्लां छुपानियां भी पैंदियां मतलब है पेरेंट्स नूं देख के ही सीख रहा है ओदा उथों बिलीव सिस्टम बन रहा है कि थोड़ा जो मैनिपुलेट कीता ते वो गलत नहीं है। हुण इसे करके कई बार तुसीं देखो बच्चे जो स्कूल तो सीख के आंदे ने घर आके अपने पेरेंट्स नूं टोक दिंदे ने कि नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे इदा बोल दिंदे ने कि मम्मा तुसीं झूठ क्यों बोल रहे हो सानू तो स्कूल सिखाया जाता है कि सच बोलो हमेशा ऑनेस्ट रहो लेकिन घर आके जो अपने पेरेंट्स नूं वड्डियां नूं देखदे ने तां ओह अपने पेरेंट्स नूं भी टोक दिंदे ने तां इन रिटर्न फिर पेरेंट्स कई बार तो उन्होंने डांट के चुप करा देंगे कई बार खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि भी हाँ गल तो सही है और असी खुद इन्हों गलत सिखा रहे हैं मतलब किते ना किते अपने आप नू भी पहला सुधारना पेगा और बहुत बारीकी नाल देखना पेगा कि असी की मैसेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल। एक होर चीज़ मैं इत्थे पुछना चाहनी हाँ तुहाडे तो कि आपां गल कर रहे सी गैप दी कि जो गैप आंदा जा रहा है, एक दीवार जो खड़ी हो गई है आजकल पेरेंट्स और बच्चियां दे विच, ये दीवार कई तरह की हो सकती है, विचारां की भी दीवार होती है कि एक दूसरे नाल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, कम्युनिकेशन की भी गैप हो सकती है कि गलबात नहीं हो रही है बराबर। एक उदाहरण मैं तुहानू देनी आ जिहदे उपर मेरा क्वेश्चन बेस है कि मान लो कोई बच्चा है हुण ओह जाना चाहता है किसी होर फील्ड, लेकिन बच्चे चाहते ने कि मतलब पेरेंट्स चाहते ने कि मेरा बच्चे दी जो क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा वधिया है, जो उस फील्ड च जाएगा तो इन्ना ग्रो नहीं करेगा, तो उन्हों इस फील्ड च जाना चाहिए जी, ठीक है। तो उत्थे बच्चा जिद ते आ जाता है कि नहीं मैनू तुसी इस फील्ड च जान दो, मैं इस फील्ड च नहीं जाना है। इत्थे मैनू लगता बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ ने और बहुत ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ तो परेशान हैं कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि बच्चा की चाहता है। देखो बहुत पुराना जो समय सीगा, बहुत पुराने टाइम्स तक सिर्फ 2-3 फील्ड्स होंदे सी, उस टाइम तक एक बिलीफ सिस्टम बन गया सी, इंजीनियर दा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर दा बच्चा डॉक्टर, एडवोकेट दा बच्चा एडवोकेट एंड टीचर दा बच्चा टीचर बनदा सी, ठीक है। तो बस थोड़े जे प्रोफेशन होंदे सी, लेकिन अज दे इस मॉडर्न युग दे विच तां प्रोफेशनस दी एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज्यादा बढ़ गई है और जिस करके बच्चे कितने ना कितने राइज करते हैं अपने, क्योंकि उन्हां दे उस ओहदे विच रुचि हुंदी है, इंटरेस्ट हुंदा है। हुण तुहाडी गल ते वापस आंदे आ जिथे पेरेंट्स और बच्चे दोनों रिजिड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैनू याद आ रही एग्जाम्पल कि पेरेंट्स चाहते सी कि बच्चा मेरा बेटा सीगा उन्हां दा कि बेटा मेरा इंजीनियरिंग करे, अच्छा। क्योंकि वड्डा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा सी तो चाहते सी छोटा भी इंजीनियरिंग करे, भी दोनों इंजीनियरिंग करन। लेकिन छोटे बच्चे दा इंटरेस्ट सी ग्राफिक डिजाइनिंग च, ओनू आर्ट एंड क्राफ्ट बचपन तो इंटरेस्ट सीगा, फिर पेंटिंग्स एंड कंप्यूटर ते डिजाइन्स बनाना जेडे अपने काफ़ी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होंदे ने, ते ओदा ओदे विच इंटरेस्ट जेड़ा हौली हौली वधदा गया। जिद्दां ही ओह अपने सीनियर सैकेंडरी क्रॉस कीता, ओह पेरेंट्स नू गुजारिश कर रहा है मैनू एनीमेशन और कंप्यूटर वर्ल्ड दे विच जाना है, मैनू ग्राफिक डिजाइनिंग च पा दो। लेकिन पेरेंट्स रिजिड हो गए कि नहीं असी चाहते हैं तू इंजीनियर बन ते तू इंजीनियरिंग ही कर। हुण बच्चा कहता है नहीं मेरा तो उथे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैनू इंजीनियरिंग कोई शौक नहीं है, मैं वो पढ़ ही नहीं सकता, मैनू अक्षर भी समझ नहीं आते जो बुक च लिखिया होया है, कुछ दिमाग च जांदा ही नहीं है, मैनू जो इंटरेस्ट है मैं वो करना है। पेरेंट्स दा बिलीफ सिस्टम बने उस काम च कुछ नहीं रखिया, वो वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी होएगा। बच्चे नू लगता है मेरा इंजीनियरिंग च इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हुण उस केस विच की होया बच्चा भी जिद्दी, पेरेंट्स भी जिद्दी। पेरेंट्स बच्चे दी जिद नहीं समझ रहे सी और बच्चा नेचुरल है पेरेंट्स दी जिद नहीं समझ रहा, क्यों नहीं समझ रहा क्योंकि ओदा तां इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग च। हुण इस केस ते आके की होया, जबरदस्ती करन दे नाल बच्चे ने इंजीनियरिंग पढ़नी पई, पहले साल च बीई च फेल हो गया, दोबारा अटैम्प्ट दिता अगेन, एक बार चलो पास कर लिया, फिर वो सेकेंड ईयर जाके फेल हो गया, सेकेंड अटैम्प्ट फिर फेल हो गया। हुन इस स्टेज पे आके पेरेंट्स ने अपने ही बच्चे नू निकम्मा कहना शुरू कर दिता कि तू तां निकम्मा है, तेरे दे उत्ते पैसा खर्च करना फिजूल है। हुन तुसी देखो हुन इस 2-3-4 साल दे टाइम गैप दे विच पेरेंट्स शायद भुल गए कि इस चीज़ नू करन दे लई फोर्स भी असीं ही कीता सी। हुण अज रिजल्ट सामने आ गया। हुण इन्ना करन दे बाद बच्चा रियलाइज करांदा है उन्हां नू कि मैं तां पहला ही किया सी मैनू इंजीनियरिंग समझ नहीं आंदी, मैनू नहीं करनी, टाइम भी वेस्ट हो गया, मैं जो करना चाहंदा सी मैनू प्लीज वो करन दिओ। हुण इस टाइम ते आके पेरेंट्स कहंदे आ असीं उस चीज़ करन लई तां पैसा नहीं देना, तू जॉब करनी है तां कर लै। हुण बच्चे दी ना तां इंजीनियरिंग कंप्लीट होई, ना ही वो अपना ग्राफिक डिजाइनर एनीमेशन दा कोर्स कर पाया, हुण चलिया उस फील्ड दी जॉब करन। हुण जिथे जिथे जॉब करन जांदा सी, जिस फील्ड विच उन्होंने इंटरेस्ट सी, ओदे कोल स्किल्स तां बहुत सीगे लेकिन ओदे कोल कोई डिग्री नहीं सी, डिग्री दे करके उन्होंने हर कितेओं रिजेक्शन मिलदी गई। रिजेक्शन मिलन दे कारण ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਬੀਜ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਨਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਟੈਕਟਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਵੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰਰੀਲੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਏਗਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ 50% ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਟਾਈਏ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਮਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਅਗੇਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਯੋਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। दोस्तों आज दी जो भी गलबात हुई वो बहुत ही अच्छी गलबात और बहुत ही अच्छी और सोहने और सरल तरीके नाल करमजीत जी ने सानू दस्या भी किद्दां जो अज गैप, जो दीवार एक खड़ी हो गई है माँ प्यो और बच्चों दे विच। सिर्फ इस दीवार नू अगर तुसी कड्ढना चाहते हो तो गल करो, गलबात करो, अपने बच्चों के नज़रिए को समझने की कोशिश करो कि अगर वो जिद भी कर रहे हैं तो किस चीज़ की जिद कर रहे हैं, अगर वो गलत भी है तो उन्होंने गाइड करो, उन्होंने सही रास्ता दिखाओ तो बच्चे तुहाडी गल जरूर मन्नणगे। फिर मिलांगे अगली कड़ी, तब तक के लिए तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अपने सुझाव देने ते वधेरे जानकारी लई तुसीं संपर्क कर सकदे हो गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन, मोबाइल नंबर 8094913487, ईमेल punjabi.gws@gmail.com। सच्चे दिल ते साहिब राजी हुंदे ने, नईया जग दी ओही पार लगांदे ने।